पलकी राजवीर की अधूरी कहानी, प्यार का अधूरा इजहार। कहानी दो बिछड़ते दिलों की, जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग में पलकी और राजवीर के प्यार के इजहार के पहले ही इनके प्यार पर लग गया है फुल स्टॉप। असल में आज पलकी के घर आया है रिश्ता, जिसके लिए पलकी कर रही है तैयारी, और वहाँ पर पहुँच गया है राजवीर भी, जो ये खबर जानकर दिल ही दिल में उदास है और चाहकर भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। वहीं पलकी भी राजवीर से करती है बेइंतहा मोहब्बत, पर इससे पहले कि वो अपने प्यार का इजहार करती, उसका रिश्ता पक्का होने जा रहा है। इसीलिए तो देखिए कैसे आज दोनों एक दूसरे के करीब हैं तो, लेकिन बढ़ने जा रहे हैं दोनों के बीच फासले भी। हमारी अधूरी कहानी, यस, फिलहाल ऐसे ही चल रहा है कि बस हमारा मिलन होने से पहले ही देखना, एक दूसरे को देखना चुप चुप के चालू ही हुआ था और रिश्ता आ गया। सो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग। तो आई थिंक इस सीन में हम एक दूसरे को, देयर आर लॉट ऑफ अनसेड थिंग्स, जो कई बातें हैं जो जिसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जो बिना बोले हो जाती हैं, ऐसा हमें लग रहा है। वो सीन में कैसा होगा वो आप हमें बताएंगे। ये दूसरी बार है जो मेरा दुपट्टा उड़ के राजवीर पे गया है, एंड पहली बार जब हम मिले थे, हाँ मेरा दुपट्टा बेकाबू है। पहली बार जब हम मिले थे तब मेरा दुपट्टा उड़ा था, और अब जब मुझे रिश्ता आया है तब मेरा दुपट्टा उड़ा है। अब कब उड़ेगा? अब मेरी शादी के बाद। अजी यही तो संकेत है राजवीर और पलकी के किस्मत कनेक्शन का, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे। फिलहाल तो पलकी अपने रिश्ते को लेकर हैरान भी है, क्योंकि ये रिश्ता उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बहन माही के लिए आया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पलकी की मम्मी ने ये रिश्ता माही के बजाय पलकी के लिए तय कर दिया, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी बिटिया रानी माही हीरोइन बने और शादी उसके करियर में ब्रेक लगा सकती है। ऐसा ये बात पलकी और राजवीर को नहीं पता है, लेकिन ये जो रिश्ता पलकी के लिए आया है वो माही के लिए आया था एक साल पहले, लेकिन मेरी मॉम का कुछ और प्लान था, तो इसीलिए उन्होंने वो रिश्ता इधर चिपका दिया। और हाँ, हम झेल रहे हैं। वो एक ऐसा फीलिंग है, वो एक अनसेड फीलिंग है, जहाँ पर कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे कि क्या फील हो रहा है। कहीं ना कहीं लॉस्ट है दोनों, और दोनों को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, और क्या कोई फ्यूचर था या फ्यूचर है या कुछ हो सकता है, ये अभी भी दोनों के दिल में है। भाई हम तो यही कहेंगे कि जब भी किसी से प्यार करो तो इजहार करना जरूरी है, क्योंकि अगर देरी हुई तो प्यार हाथ से निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।